तहसील अकबरपुर क्षेत्र के अकबरपुर कस्बे में आज दिनांक 4/2/2021 को युवा कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए नौकरी संवाद अभियान की शुरुआत ब्लॉक स्तर से कर दी है। इस अभियान के द्वारा यूथ कांग्रेस उत्तर प्रदेश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं से मिलकर उनसे जुड़ने का संकल्प लिया है। इस अभियान के तहत यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं प्रदेश के हर जिले के ब्लॉकों में जाकर बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी फॉर्म और मिस कॉल के माध्यम से जोड़ेंगे, जिससे युवाओं की शक्ति को संगठित करके उत्तर प्रदेश को एक बेहतर प्रदेश बनाने के संकल्प से कार्यरत होंगे। उत्तर प्रदेश जो कभी अपनी युवा शक्ति की वजह से भारत का केंद्र बिंदु हुआ करता था, आज कई दशक से गैर जिम्मेदार सरकारों की अनदेखी की वजह से बेरोजगारी और प्रवासी मजदूरों की राजधानी के रूप में बनता जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ लाखों युवा अपनी नौकरियों में चयन का इंतजार कर रहे हैं, वहीं करोड़ों युवा किसी भी तरह के रोजगार पाने से वंचित हैं। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हसनैन रजा जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस कानपुर देहात के नेतृत्व में कार्यक्रम का संचालन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में रंती देव वाजपेयी, प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस प्रभारी मोहम्मद तारिक निजामी, कांग्रेस जिला सचिव सालू जिला अध्यक्ष तथा मोनू यादव, राहुल निषाद, नदीम कुरैशी, यीशु गुप्ता, कौशल कुमार आदि लोग मौजूद रहे। इंडियन प्राइम न्यूज से संवाददाता जंग बहादुर सिंह की खास रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? मैं मोहम्मद तारिक निजामी, मैनवाड़ी से, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जिला सचिव। माननीय हमारी प्रियंका दीदी के आह्वान पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है नौकरी समुदाय के अंतर्गत। हम कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस और मैनवाड़ी उनके आह्वान पर जिले में और ब्लॉक स्तर पर जाके उनका काम करेंगे और इसमें जो 2022 में चुनाव लड़ेंगे तो उस घोषणा पत्र में माननीय प्रियंका जी जो जितने नौकरी संवाददाता जो मेरे आ जाएंगे अंतर्गत, तो उनको घोषणा पत्र में जो बात रखी जाएगी। और मेरी कांग्रेस पार्टी 2022 में अगर चुनाव जीतती है तो मैं उनको नौकरी देने का, रोजगार देने का काम करेगी मेरी। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य यही है कि जो बेरोजगार हैं उन्हें अपने साथ जोड़ना है? जी, मेरा उद्देश्य है जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने के लिए, और कांग्रेस पार्टी में अगर वो जुड़ना चाहें उनका स्वागत है। मैं अपनी बात यही समाप्त। पूरा परिचय दे दीजिए आप अपना। मैं रंती देव वाजपेयी, यूथ कांग्रेस पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ और मजदूर कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। प्रेस आज हम लोग 4/2/2021 को अकबरपुर क्षेत्र में जिला कार्यालय कांग्रेस के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं प्रियंका जी के द्वारा चलाई जा रही मुहिम नौकरी संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत। और हम लोगों का यहाँ पर प्रेस वालों से एक निवेदन है कि हम लोगों को जो आज हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को जगह जगह ब्लॉक स्तर से हम लोग चालू कर रहे हैं, जिसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हर एक ब्लॉक में जाएंगे और ब्लॉकों में जाकर के जो बेरोजगार नौयुवक हैं उन लोगों से संपर्क करेंगे और उन लोगों से ज़्यादा तादाद में अपनी कांग्रेस संगठन में जोड़ने का प्रयास करेंगे। लगभग कानपुर देहात में कितने लोगों को आप रोजगार दे सकते हैं? हम लोग अभी रोजगार देने की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग बेरोजगार लोगों को आपके बीच से निकालेंगे, ब्लॉक बाई ब्लॉक स्तर से निकालेंगे, जिले स्तर से निकालेंगे और उनकी एक सूची बनाएंगे। और उस सूची को बनाने के बाद हम लोग जब 2022 में अगर सत्ता में आते हैं तो हम लोग उन बेरोजगार नौयुवकों को रोजगार दिलाने का कार्य करेंगे।